हिमाचल प्रदेश में शुगर मिल ना होने से गन्ना उत्पादक हताश हैं। इस वजह से गन्ना उत्पादन में अव्वल पांवटा साहिब के उत्पादकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें उत्तराखंड जाकर फसल बेचनी पड़ रही है, लेकिन यहां भी उन्हें समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रही। पांवटा साहिब में हर साल करीब 3000 हेक्टेयर पर लगभग 2 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। 1.5 लाख क्विंटल गन्ना उत्तराखंड के डुयू वाला गन्ना मिल में स्थानीय शुगर केन ग्रोवर सोसाइटी के माध्यम से जाता है और पेमेंट भी उनके माध्यम से आती है। किसानों का कहना है कि पेमेंट समय पर नहीं मिलती है, जिस कारण उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सोसाइटी के सचिव नेकराम का कहना है कि बकाया पेमेंट 1-2 दिन में आ जाएगी। गन्ना उत्तरांचल में जाता है हमारा, इसका हमारे को जो देना पड़ता है, बीच में कटिंग भी होती है जो ट्रांसपोर्टेशन का है, उसका खर्चा भी अलग से देना पड़ता है, साथ में गन्ने में से कटता हो किसान, इसमें हमारे जाते हैं जी। पेमेंट देखो थोड़ा लेट मिलती है, समय से नहीं मिलती पेमेंट। अब बेचने में कोई और नहीं है, ये हमारे को पेमेंट जल्दी मिलनी चाहिए ताकि हम अगली फसल में अपनी पिछली पेमेंट लगा के अगली फसल का तैयारी कर सकें। उसमें हम बहुत मतलब यानी कि निर्बल पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे को इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता है और हमारी पेमेंट आती नहीं पीछे से, जिम्मेदार हमारा जाता है। एक मिल खुलनी, हाँ मैं चाहता हूँ कि हिमाचल में मिल बने, अनाज मंडी बने, जिससे हमारे के लिए मतलब यानी कि वो बाहर जाने के लिए हम दुखी ना हो। पेमेंट आ चुकी है 35 लाख के करीब। अच्छा, अभी 15 मार्च तक आ गया, इस बार ज़्यादा। रेट क्या दिए जा रहे हैं? रेट 316-326। देखिए, जहाँ तक पांवटा के गन्ना उत्पादकों की बात है, इसका प्रॉपर सर्वे करवाएंगे, अगर फिजिबिलिटी हुई यहाँ शुगर मिल के लिए गन्ना हुआ पैदा, इतनी पैदावार हुई तो फिर उसके लिए प्रयास करेंगे, अन्यथा पांवटा क्षेत्र के लोगों के किसानों का गन्ना डोई वाला शुगर मिल में एज पर एग्रीमेंट जाता है, उनको वहाँ कोई दिक्कत आ रही है उत्तराखंड में, वहाँ प्रदेश में हमारी सरकार है, प्रदेश यहाँ पर हमारी सरकार है। मैं गन्ना मंत्री से बातचीत करके उनका उचित समाधान करवाने का उनको मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गन्ना उत्पादकों को एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर उनकी कोई समस्या है तो मुझसे मिले, दोनों सरकारों के बीच में बैठ उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।